मैं अपने गुरु दे सावन कृपाल का धन्यवाद करदा हां जिसने इस गरीब आत्मा ते तपदी आत्मा ते अपनी दया दृष्टि नाम दा अमृत पला के तपदी आत्मा नूं ठारिया। संत महात्मा मालिक दे प्यारे कोई कौम या समाज बनाने वास्ते नहीं आते, वो सानू दसते है कि वो परमात्मा जिसकी कि साड़ी आत्मा अंश है उसनू भुल के किस तरह इसने दुखा दे पारे अपने उपर लद ले है। जिथे भी जन्म है उत्थे परेशानी है। आप प्यार ना कहिंदे है गुरु नानक जी, अपनी माया आप पसारी आपे देखण हारा। आप ही ओह हुक्म दे जरिए नाम दे जरिए ये दुनिया का पसारा करदा है। आप ही बैठ के सब कुछ देखदा है। नाना रूप तरे बहु रंगी उसे ने ही अनेक प्रकार दे नाना प्रकार दे रूप धारण किते है। किते पशु दा है, किते पंछी दा है, किते देवी दा है, देवते दा है, गंधर्व दा है, किते टेढ़ियां जूना दे अंदर फिरदा है। और इना कुछ करके फिर भी आप न्यारा है, जिस तरह कोई सोने की लठ है उदे विचो आपा गहने बनाने हैं, गहने बन जाते हैं, लठ खत्म हो जाती है, लेकिन परमात्मा ने सब जिया जून पैदा करके उदी हौद खत्म नहीं होंगी गी। वो उस तरह ही परमात्मा मौजूद रहिंदा है, वो घटदा नहीं गा, वो सदा ही कायम है। महात्मा मिसाल दे के समझाते हैं कि जिस तरह एक राजा सी, उस राजे दे एक कन्या लड़की सी, दिल दे विच ख्याल आया कि मैं बैठा बैठा इस कन्या दी शादी कर जावा और वर भी ऐसा होवे कि जेड़ा योग होवे, अच्छा होवे, कहेकार होवे, क्योंकि मैं उसनू लड़की भी देनी है कन्या और अपना राजपाट भी उसे नू देना है। राजे ने प्रजा दे अगे शर्त रख दिती कि मैं अपनी कन्या दी शादी लड़की दी उस ना करूंगा जो मैनू लुके हुए नू भाल लवे। जद ये मर्यादी शहर दे विच कीती गई, हर नौजवान खुशियां मनाउण लग्या वे राजे का पालना की मुश्किल है, आपां हुणे भाल लैने हैं। सब आपो अपने थाई आपो अपनी पहुंच के मुताबिक घरों निकले, अच्छे कपड़े लीड़े पा के निकले, तैयारी करके निकले और बादशाह ने भेस बदल के माली का एक बाग दे विच आप दे विच बैठ गया और जो छड़क उधर जा रही सी बाग की तरफ ओदे उपर किते अच्छे खाने बन रहे सी, मीट शराब, किते अच्छियां औरतां नाच कर रही सन, किते रागी राग गा रहे सन, क्या हर प्रकार का मुजरा ओ छड़क दे उपर सी। नौजवान घरों तैयारी करके निकलते है, जो जो किसी नूं चस्का सी इंद्री दा अख दी इंद्री रूप देख के उन्हां औरतां दा ठहर गई कि गाहां की जाना है, बस यही सब कुछ है, भाल लांगे राजे नूं किधर चलिया है। इस तरह जिन्हां नूं जवान दा चस्का सीगा जवान दी इंद्री दे असरे ठा के चलो इस नूं मीट शराब नूं खाओ पियो, बथेरा वक्त है, बादशाह नूं भाल लांगे, किधर चलिया है। आखिर
इसे तरह जिन्हां नूं माया दा प्यार सी ओ जिथे माया मोहरां पईआं सी ओ उन्हां नूं इकट्ठियां करन लग पे, भाल लांगे बादशाह नूं किहड़े पासे चलिया है। आखिर एक मजबूत दिल भी सी, उन्हें सोचिया कि ये चीजा तो बाद में देखी जाएगी, पहला राजे नूं बादशाह नूं क्यों ना भाल गए। दिल च सोचता है कि बादशाह अगर मिल जाता है राज भी मिलेगा, उदी कन्या नाल शादी भी होएगी, जदों सब कुछ मैं राज दा मालिक होया सब चीजा अपने आप ही प्राप्त हो जाणगियां। वो बिल्कुल किसे थां ठहरिया नहीं, किसे दी तरफ तवज्जो नहीं दित्ती, उन्हें आप दियां इंद्रियां मन नूं रोक के आखिर वो बाग तक पहुंच गया। अगे देखदा है राजे दी शक्ल बदली हुई है, फटे पुराने मालियां जैसे कपड़े पाए है। वो नौजवान कदे उहदे चेहरे कन्नी देखदा है, कदे अखां कन्नी देखदा है। सानू पता ही है कि जौहरी नूं जौहरी पछाण लैंदा है, पहलवान हाथ मिला के परख लैंदा है कि यह वाकया पहलवान है, मैं इस नूं ढा सकदा हां या नहीं। हुण वो नौजवान ने एकाग्रता तां पहला प्राप्त ही सी, सोचिया कि इहदियां अखां माली जैसियां नहीं, इहदा मत्था माली जैसा नहीं, यह राजा जरूर है। आखिर जब दिल दा दिल नूं राह बनिया, राजा भी उहदी तरफ तवज्जो देण लग्या। वह कहण लग्या बादशाह सलामत, हुण पर्दा चुक दिओ, किस चीज का पर्दा है? क्या उसने दुनिया चो मजबूत मन वाले ने बादशाह नूं लभिया? बादशाह आया ते चार पदार्थ भी आ गए, लड़की नाल शादी होई। ये तां एक मिसाल है। इसे तरह वह परमात्मा अपनी दुनिया की राजधानी के अंदर वो भी चाहता है कि मैं अपनी भगती रूपी कन्या किसी अच्छे काबिल दिल वाले नूं, लड़के नूं मैं ब्याह देवां, ये मेरी भगती कुआरी ना रहे, इस नूं भी कोई ना कोई वरन वाला होवे। इसे तरह उस परमात्मा बादशाह ने भी साडे रस्ते दे अंदर बड़े चोगे खंडाए है, हुसन हुकूमतां दौलतां दे, मैं मेरी दे, माया दा पसारा, असी घरों तां सारे निकलदे हैं भगती रूप उस कन्या नूं विआहुण वास्ते, उस बादशाह दी तलाश करन वास्ते कि असी उस बादशाह नूं तां लभ लवांगे। लेकिन वो बादशाह भेस बदल के लुकिया बैठा है। जो नौ जवान मजबूत मन वाला हुंदा है वो दुनिया की मान वड्याई मैं मेरी दे विच, विशे बकारा दे विच, शराबां कबाबां दीआं लज्जतां दे विच वो नहीं फसदा गा। उहनूं इह हुंदा है जद वो तैयारी करदा है, बचपने तो दिल च ख्याल हुंदा है कि मैं उस बादशाह परमात्मा नूं जरूर लभूंगा। कोई वक्त हुंदा है वो परमात्मा कोई दूर नहीं हुंदा गा, वो भी अपना सचखंड अपना घर छड के देवत्यां च देवता बनता है, इंसानां च इंसान बनता है, वो भी एक बंदे की पोशाक पा के बैरूपिया होके आके बैठ जाता है। जो मजबूत दिल हुंदा है वो दुनिया के किसी भी लालच विच नहीं फसदा गा, वो मन इंद्रिया का गुलाम नहीं हुंदा, वो आजाद हुंदा है। उहदे दिल च इक्को ही चाह हुंदी है कि उस बादशाह नूं मैं जरूर जाके पालना है। वो छुपदा बड़ा है, आखिर एक दिन उसनूं भाल लैंदा है। असी जानते ही हैं वो भी बंदे ही सन जिहड़े गुरु नानक नूं परमात्मा समझदे सन, वो भी बंदे सन जिहड़े कहिंदे सी इह उपदेश ही ठीक नहीं करदा गा, इहदा दिमाग ठीक नहीं गा, पिंड दे विच कसूर च वड़ने नहीं दित्ता सी लोकां ने। हुण तुसीं देख लो जे सारिआं दी नज़र इह हुंदी कि गुरु नानक परमात्मा है तां उह सारे लोक फायदा उठा सकदे सीगे। इसे तरह मजबूत दिल वाले वो इंसानी पिशाक पा के जद परमात्मा आंदा है इंसानां दे विच इंसान बन के आंदा है, मजबूत दिल वाले जिहड़े उहनूं चाहुंदे है वो उसनूं पा लैंदे है। वो महात्मा बेशक वो परमात्मा है,
लेकिन जब तक ओहदे विच बैठा है वह एक कुदरत दे निजमां दे मुताबक अपना जीवन जींदा है, बहुत छोटा जा। तो कदे भी देह च बैठ के नहीं कहिंदा कि मैं संत हाँ या मैं किसी का गुरु हाँ या मैं पीर हाँ या मैनू कोई गुरु पीर कहो या कोई ओहदा इह ते या कोई ऐसा ओहदा मकसद होवे भई मैं अपना कोई मतलब दुनिया तो पूरा करा, ऐसा नहीं हुंदा गा। परमात्मा ने उन्हूं भेजिया ही परोपकार वास्ते है, ओहदी ड्यूटी है कि तू जा आत्मा नूं समझा के मेरे नाल जोड़। ऐसा महात्मा जब संसार विच आउंदा है ओह साडी सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़दा है, नाम नाल जोड़दा है। ओह ना तां साथों कोई कौम छड़ाउंदा है, ना कोई समाज छड़ाउंदा है, ना कोई बोले बदलाउंदा है, ना उसने कोई फीस ही रखी है। अगर कोई मुफ्त दा साडा दोस्त है या नौकर है तो वह महात्मा है जो बगैर मजदूरी तो साडा बोझा चुकदा है। हुण अज जे असीं दुनिया दे विच निगाह मारीए किन्ने कैसे महात्मा मिल जाणगे जिहड़े कि बगैर मजदूरी तो बोझा चुकदे होण और साडी जिम्मेवारी लैण। ਬਈ ਪਿਆਰਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ जिसने सब इंद्रिया के भोगों को त्याग के एक एस देखा कि वह परमात्मा बादशाह नूं मैं मिलना है, वह उसनू मिल लैंदा है, कोई उस तों दूर नहीं हुंदा गा। परमात्मा गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे आ साडे अंदर है। अगर वह मंदिर विच हुंदा परमात्मा वह पुजारियां नूं मिल जाता, गुरद्वारे च हुंदा भाइयां नूं मिल जाता, अगर वह मस्जिद विच हुंदा तो मौलवियां नूं मिल जांदा, चर्च दे विच वह परमात्मा बैठा हुंदा तो पादरियां नूं जरूर मिलदा। अज दुनिया दे अंदर अशांति ना फैलदी, घर घर दे अंदर हर दिल दे अंदर उस परमात्मा दा प्यार हुंदा। साडे सतगुरु महाराज कृपाल नूं पुछिया पछम दे अंदर कि दुनिया च अमन किस तरह हो सकता है, वह कहण लगे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब दे उत्ते अमल करना हो सकता है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ कि असी अमल कर नहीं रहे, वंडियां पा रहे हैं, लोकां नूं लड़ा रहे हैं, किस तरह परमात्मा मिल सकता है, जिहड़ी चीज साडे अंदर है वह बाहरों किस तरह मिल सकती है। जिहड़ा आदमी जिहड़ी औरत साडी मर्जी दे मुताबक भगती नहीं करदा जां कोई समाज उहनूं असीं डंडे और तलवारां फड़ के मारदे हैं कि तेरी भगती दा तरीका ही ठीक नहीं, चाहीदा तां इह है कि अगले नूं प्यार दे नाल समझाइए कि प्यारिया असीं इस तरीके दे चल के कामयाब होए हैं, अगर तेरी समझ दे विच वी आउंदा है तां तूं फायदा उठा सकदा है। जो कम प्यार कर सकदा है वह नफरत नहीं कर सकती। गुरु गोबिंद सिंह ने प्यार ना कहा कहां प्यो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नात फिरे लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो। तो कहन लगे कि की हो गया, अखां बंद करके बैठ गए, बगला भी अखां बंद करके एक टंग दे पार खड़दा है। इस वास्ते वह कहन लगे लेकिन बगरे की कारगुजारी की है, वह डड्डा नूं खांदा है। महात्मा चरण दास ने कहा सुंदर रूप महा बगले दा एक टंक जगल जल ध्यान, मन में आसा मीन गहन की कहां मिले भगवान। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि वह परमात्मा जिहदी सानू खोज है वह साडे अंदर है। कबीर साहब कहिंदे है
वस्तु किते है, ढूंढदे किते है, किस तरह वह हथ आ सकती है। सब तो पहला उस नूं साथ लो जिन्हें जिंदगी दे विच उस नूं ढूंढ लिया है, पा लिया है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है स्वामी जी महाराज दा शब्द सुनो गौर ना। हाँ जी, सार बचन पन्ना 126 शब्द बीसवा चेतावनी भाग दूसरा। खोजरी पिया को नित काट में, खोजरी पिया को निज काट में, जो तुम पिया से अखां बंद कर लो, थोड़िया अंदरलिया अखां उस प्रभु नूं देखण लग जाणगियां, बाहरली जबान नूं रोक लो चस्कियां तो, अंदर नाम दा रस लैण लग जाएगी, बाहर दियां वाशना नूं बंद करके तुसी नासा नूं बैठो, अंदर नाम दा महक आउण लग जाएगी, बाहरों ख्याल नूं हटा के तुसी अंदर जाओ, उस परमात्मा नूं मिल लोगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझा रहे है के जिन्ना असी बाहर पटकांगे, गुरु तेग बहादुर साहिब कहिंदे है क्यों बना दे विच मारे मारे फिरदे हो, वो परमात्मा थोड़े अंदर है। जिस तरह फुल दे अंदर खुशबू है, शीशे दे विच रोशनाई है, इसे तरह परमात्मा थोड़े अंदर है। आप कहने लगे पहला उस नूं अंदर देखोगे, फिर ही पत्ते पत्ते अंदर बाहर हर दिल च देखोगे कि परमात्मा ने हर एक नूं बनाया, हर एक दे अंदर है। इस वास्ते कहिंदे ये भेद असीं अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते गे, सानू किसे गुरमुखां दी शरण विच जाना पएगा। गुरमुखां दी भी शरण विच जाके जो वो रस्ता दसदे है उस दी दिन रात कमाई करनी पएगी। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर ने बड़ा खुल के दसिया है क्यों तुसीं मारे मारे बाहर फिरदे हो, लेकिन असीं सोचदे हैं कि साडे अंदर कोई परमात्मा नहीं गा। अगर 5 साल का कोई लड़का खड़ा होवे, आप उतो कोई खरबूजा या पेंशन चकन की भी जरूरत नहीं समझते गए, दिल नहीं पैंदा गा। असीं सोचते हैं कोई इंसान का बंदा देखता है, बच्चा देख रहा इंसान का, लेकिन वह परमात्मा साढ़े अंदर है। असीं कह भी रहे हैं लोगों को हर जगह है, लेकिन कदे सोचा है? गुरु नानक कहिंदा तुसीं ये तां जरूर कहने हो कोई निकट है, पराए घरां दे विच पराईयां वस्तुआं दे उत्ते क्यों अख टकाई हुई है, क्यों अग्ञानता दे विच बाहर भटक रहे हो? तो परमात्मा दा डर तां असीं 5 साल दे बच्चे जिन्ना भी नहीं रखते गए, लोगों नूं धोखा देने वास्ते जरूर ये गल कह देने हैं कि केड़ी जगह वो परमात्मा नहीं गा, सब जगह ही है। सूरज की लाइट हर एक जगह है, चोर चोरी करता है, सूरज किसी नूं हटकता है, कातली कतल करते है, वो सारा संसार चंगे भी करते हैं माड़े भी करते हैं, सूरज किसी नूं हदायत करता है नहीं करता। इसे तरह बेशक परमात्मा सब दे अंदर है, लेकिन वो किसी नूं बरज नहीं रहा, हटा नहीं रहा। अगर असी उस परमात्मा नूं आपदे अंदर प्रगट कर लईए, असी उहदे नाल गल्लां कर सकते हैं, वो सानू हर पासे मोड़ेगा, हदायत करेगा कि बई इस पासे तेरा ठीक नहीं गा, ये बुरियाई है चंगयाई है। विवेक बुद्धि इसे नूं कहिंदे आ जिहदे नाल असीं चंगे और माड़े दा निर्णा कर लैंदे हैं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ अगर तुसीं उस परमात्मा नूं मिलना चाहते हो, बार बहस मासे की जरूरत नहीं पैंदी, तुसीं आप दे अंदर जाओ, ये समान थानू थोड़े अंदर ही मिलना आसान है जी। जो तुम पिया से मिलना चाहो को मत जग में, तीर्थ भारत कर्म चारा ये अटकावे मग में। आप प्यार ना कहंदे है कि असी मुक्त केड़े कर्म करके मंगदे हैं, तीर्थ वरत
जप तप करके असि सोचते हैं कि साड़ी मुक्ति हो जाए या हो जाएगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ नाम सलाही। के बाहर तुसी जितना भी मर्जी श्रेष्ठ कर्म कर लो, धर्म कर लो, बेशक ना करनो अच्छा कर्म अच्छा है, लेकिन जे असी ये कहिए कि असी परमात्मा नूं पा लवांगे, ये साड़ी भुल है, गलती है। गुरु नानक देव जी महाराज तां इत्थों तक कहिंदा है, कर्म धर्म पा खंड जो दिसे तिस जम जो गाती लूटा। वो कहिंदे ये जेड़ा कुछ तुसी आपदे श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, ये मालक दे दरबार विच तां इस तरह जिवें कोई पखंडी आदमी पखंड करदा है। कबीर साहब कहिंदे आ, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खलौना जाना। जितने भी असी बाहर चिन्ह चक्कर धारदे हैं, इन्हां नाल अगर परमात्मा मिलदा होवे, होर सस्ता सौदा की हो सकता है। महात्मा दसदे है, अगर वह परमात्मा तीर्थां ते जाके मिलदा हुंदा, उत्थे कबीर साहब कहिंदे बड़े ही डडुआं मच्छियां हन, अगर वह मुक्त नहीं हुंदे असी किस तरह हो सकते हैं। इतिहास दे विच साखी आउंदी है, एक गुरु रामदास जी महाराज का सत्संगी सी, वो हरिद्वार के नज़दीक रहिंदा हुंदा सीगा और एक वैष्णो साधु सीगा। उहदे दिल च हमेशा यही ख्याल हुंदा सीगा कि तीर्थ ते नहा के गंगा विच इशनान करके ही मुक्त हो जावांगे। उसका यह परण सीगा कि जिस आदमी ने गंगा इशनान किया होवे उहदे घरों खाना खाना, बाकी दे किसी घरों खाना ना खाना। एक दफा वो इसी तरह चलदा चलदा गया, अगे गुरु रामदास जी का सत्संगी सी, सिख सी, वो हरिद्वार के बिल्कुल नज़दीक रहिंदा सीगा। वो उस दे दिल च ख्याल आया कि जिहड़ा कोले रहिंदा है, ये तो रोज ही इशनान करता होना, इहनू पुछण दी की लोड़ है। बल्कि जिथे एक दिन ठहरना सी उत्थे दो तीन दिन ठहरिया, बई ये तो बड़ा अच्छा है, थकेवा लाइए। एक दिन गल्लां गल्लां विच गल होई कि जी तुसी तो रोज गंगा इशनान करते होंगे, बड़े भागा वाले हो। तो कहन लगे, मैनू तो पता ही नहीं गंगा है कित्थे, मैं तो कदे गया नहीं गा। हुण उहदे दिल नूं बड़ी ठोकर लगी कि मेरा तो इसने धर्म ही भ्रिष्ट कर दिता, मेरा परण सीगा। वह बुरा भला कहिंदा जान लग्या। जद रात पई, इतिहास चाहुंदा है कि रात नूं तीन गऊआं आउंदियां सन, गंगा जमुना सरस्वती, गुआ का रूप धारिया होया सीगा। वो पुछन लग्या कि तुसी केड़े पासे इस वेले, कोई तुहाडे मगर चारन वाला है नहीं, बन्नन वाला नहीं गा, कौन हो तुसी? वो कहिंदियां असी एक गंगा जमुना सरस्वती हैं, लोग पापा की मैल साढ़े विच पाउंदे है, पाप करके साढ़े विच नहाउंदे है, साड़ी दुर्गति हुई पई है। असी वो नाम जपदा है, वो बड़ा उच्चा महात्मा है, जेड़ा उहदा नहाउण वाला पानी है, असी उहदे चले दे विच जाके रोज उही गरदा पा के उहदे आपदे पापां जेड़ा है वह निवृत्त करदियां। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है। गुरु साहिब दी बाणी च लिखदे है, तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गमान, नानक ने फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। बुल्ले शाह तां इत्थों तक कहिंदा है, असी कदे भी ऐसी निगाह नहीं करदे कि असी जो दान करदे हैं कि इहदे विच साडा कितना अपनी खून पसीने की कमाई है, कदे सोचदे हैं? दिल च ख्याल आया कि शायद ये करन दे नाल सानू परमात्मा मिल जाएगा। गुरु नानक कहिंदे है, पहला तां असी वह दान का जिहड़ा फल है आपदे बूहे ते खराब कर लैंदे हैं। दे दे मंगे सहसा गुणा, शुभ करे संसार। कहिंदे दे के असी हजारा गुणा एक रुपया दिंदे हैं ते कहिंदे हजार सानू मिल जावे, संसार साडी शुभ तो ही करे, अखबारां च भी निकले और साडे नां दा पत्थर भी लग जावे भी असी इन्ना दान कीता है। शुभ करे संसार, भी साड़ी संसार शोभा भी करे। लेकिन कदे गुरु नानक साहब कहिंदे ये सोचा है, जिस परमात्मा ने सानू चंगी सेहत दिती है, अन्न धन दिता है, हर चीज सानू उसने दिती है, बच्चे दिते है, कदे उसने भी अरदासां कराईयां भी मैं थानू आ दिता, या अखबारां च कढ़िया कि मैं फलाने नूं आ कुछ दिता। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है
कि ये कर्म करके असी मुक्ति पालदे हैं कि सानू शायद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन महात्मा सानू दसदे है कि नाम तो बगैर ना तो अजे तक किसी नू मुक्ति मिली है ना मिल ही सकती है। केड़ा नाम? महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी अगर नाम कोई अक्षर हुंदा तो 5 साल की लड़की दे सकदी सी। की लोड़ सी गुरु अमर देव जी महाराज नू बुढ़े बारे कुड़मा दे घर कोई मामूली आदमी रवे ते आपा उस नू मेहने मारदे हैं कि उस वक्त की दुनिया केड़ा उन्हां नू ताने वेले नहीं मारदी सी, मारदे सन। लेकिन इश्क इश्क ही हुंदा, प्यार प्यार ही हुंदा है। उहदे दिल दे अंदर प्यार होया तड़प उठी कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, गुरु तो बगैर नाम नहीं मिलदा गा। उसने दुनिया दे तान्या मेहना दी परवाह नहीं कीती। बुढ़े बारे 12 साल जाके अंगद देव दा पानी ढोया, ब्यासा दरिया ते जाना गोंदवाल तो सीधे मूह पिठ नहीं करदे हुंदे सीगे और पुठे जाना सीधे आ जाना। तुसी देख सकते हो अगर नाम तो बगैर मुक्ति हुंदी वह भी किसी लड़की तो कोई लफ्ज लेके जप सकदा सीगा। बड़े बड़िया नू आके गुरु दे दर ते धौण चुकाउणी पई, क्यों बई मुक्ति दा जो रस्ता है, मुक्ति दा जो परवाना है, जो मुक्ति दी कमीशन है, वो पूरे सतगुरु दे पास ही परमात्मा ने रखी हुई है। जिसका ग्रह तिस दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई, अनक अपौ करे नहीं पाए बिन सतगुरु सरणाई। जिस परमात्मा ने शरीर नू ताला लाया है, गुरु नानक कहिंदे है जिसने शरीर बनाया उसे ने ताला ला के कुंजी गुरमुखा दे वाले कीती है। अपनी मन बुद्धि ना असी उस नू पा नहीं सकदे गे। तीर्थां दे मुतालिक तुसी सोच सकदे हो, जिथे अज असी तीर्थ नहाउण जाने हैं, महात्मा किसी भी तीर्थ की निंदा नहीं करदे गे। तुसी इतिहास पढ़ के देखो उथे कोई ना कोई महात्मा ने तप अभ्यास किया है। कुलैत क्यों जाने हैं? कपिल मुनि ने तप अभ्यास किया। अमृतसर क्यों जाने हैं? उथे गुरु साहिबाना ने सत्संग किया, नाम अभ्यास किया। हरिद्वार ते श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना तप अभ्यास किया। इस वास्ते वो साढ़े तीर्थ बन गए हैं। लेकिन असी जो महात्मा की बाणी दे विच लिखिया है असी उस दे उत्ते अमल नहीं करते। गुरु नानक देव जी भी महाराज कहिंदे है जे तुसी ए सरोवर विच जो 6 फुट का परमात्मा ने सानू दिता है इशनान करोगे ता ही तुसी मुक्त हो सकते हो। आप कहिंदे शरीर सरवर है संतो, गुरु नानक कहिंदे सच्चा सरोवर तुहाड़ा इह शरीर है। इशनान करे लिव लाए, नाम इशनान करे से जन मुक्ते शब्दे मैल गवाए। नाम दे विच जाके इशनान करो, ये शरीर ही थोड़ा सच्चा सरोवर है, ये सच्चा हरमंदर है। लेकिन इत्थे आके असी भुल जाने हैं जो अपने हथां पैरां नाल असी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाने हैं उन्हां दी आपां किन्नी इज्जत करते हैं, किन्ना प्यार करते हैं। अगर गलती ना किसी विच थोड़ी बहुत ही कोई दराड़ भी आ जाती है आपां परमात्मा दे बनाए हुए मंदिर हजारां ही ग्राउंड वास्ते जा वड़दे हैं, फिर असी अपने आप नूं शहीद कौम दे रखवाले कहने हैं। सोच के देखो ठंडे दिल ना, अगर इंसान नूं इंसान मारन दे नाल ही परमात्मा मिलदा होवे, शहीद बनदा होवे, एदू सस्ता होर सौदा किहड़ा हो सकदा है। सन 47 दे विच मैं देखिया है कि एक एक बंदे ने कई कई बंदे निर्दोषे मार दिते सन। अगर इस तरह शहीद हुंदे या मुक्त हुंदे उह तां सारे लोग मुक्त हो जाने चाहीदे सन। नहीं, महात्मा सानूं प्यार नाल कहिंदे है जिन्हां दा परमात्मा दे नाल प्यार है उन्हां दा परमात्मा दी मखलूक दे नाल भी प्यार हुंदा है। हर अंदर भगवान समझदे हैं ते असीं कतल किस नूं करन लगे पए हैं, नफरत किस नाल करन लगे पए हैं। इस वास्ते महात्मा जद भी आउंदे है कि प्यारिओ जे तुसीं परमात्मा नूं पाउणा है तां बाहर ढूंढण दी लोड़ नहीं, तुसीं आप दे अंदर जाओ। जितने भी तुसीं बाहर तीर्थ वगैरह ते जाने हो, कर्म वगैरह करते हो, ये सारे थोड़े बंधन का कारण हैं, ये थानू रस्ते च अटका लेंगे हैं। जी तीर्थ बरस कर्म अचारा ये अटकावे
पूरे पड़े रहोगे आग में। हुण आप प्यार दे नाल कहंदे आ जद तक थानू पूरे सतगुरु ना मिले, पूरे दा मतलब अधूरे भी हुंदे है। गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी च लिखदे है, कुल्ला दिंदे बाबले लेंदे वड़े नलज, चूहा खड ना मावी तिक्कल वद्दा छज। पत्थर आप डुब जांदा है ओ दूजे नूं की तो तार देवेगा। इसे तरह जो मन बुद्धि दे अग्ञानी हन गुरु बन वास्ते तो सारे लोग तैयार हो जांदे है, ओ जेडे आप डुबे है दूजे नूं किस तरह तार सकदे है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है, जो डुबिंदे आप से तारे किनखे, तरंदड़ो पी तार नानक पिरसे रतिया। जो आप तरिया है ओ ही दूसरे नूं तार सकदा है। गुरु नानक देव जी दी बड़ी मिसाल है के पिछले जवानियां दे अंदर जिस टाइम गुरु नानक देव जी महाराज आए सी, आम तौर दे उत्ते अज भी ऐसा ही है ओ समाज दे अंदर, उदासीन महात्मा दे अंदर, ओ सेली टोपी वगैरा दे के, क्या एक कपड़े दी टोपी बनाई हुंदी है ओ दे के ही चेला बनाया जांदा है कि टोपी नूं पहनण नाल तेरी मुक्ति हो जाएगी। और आप कहते लेंदे वड़े नलज, जेडे लोग मुफत दियां सीसां पालदे है कि सानू कुछ करना ना पए, काम ना छड़ना पए, क्रोध ना छड़ना पए, लोभ मोह हंकार ना छड़ना पए, नाम दी कमाई ना करनी पए, ओ इस नूं बड़ा सस्ता करके लै लैंदे है। इस वास्ते आप मिसाल चूहे दी दिंदे है, चूहा खड़ना मावी तिक्कल वद्दा छज। बहुत सारे चूहे इकट्ठे सन, उत्थे बिल्लियां भी काफी सन, उन्होंने सलाह की कि बिल्लियां दा रोज ही डर लग्या रहिंदा है, पता नहीं किस वेले गर्दन मरोड़ देनी है। आपां नूं भी एक कोई बादशाह बनाउणा चाहीदा है, अपना राजा बनाउणा चाहीदा है। सब ने जो थोड़ा बहुता चतर बोलण वाला चूहा सीगा उस नूं कहा भी तू साडा सरदार हो रहा। फिर दिल च ख्याल आया कि सरदार तां इहनूं बना लिया, इहदे कोई निशानी भी होनी चाहीदी है तां कि सारयां नूं पता लग जावे कि ए भई सरदार है। उन्होंने उहदे पिछे छज बन दिता। बिल्ली किहदा आधार करदी है, बिल्ली आ गई, जिहड़े दूजे चूहे सी मार के छाला उह खुड्डां च जा वड़े, हुण उहदे पिछे छज बद्धा सी, उह किस तरह जा सकदा है। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਚੇਲੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਾਲ ਜਦ ਆ ਕੇ ਸੰਘੀ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੈ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਸ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਨੀਮ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਵੀ, ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਨੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਤ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਭਜਨ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹੈ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਬ ਲਗ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਉਗਵੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀਉ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੀਆ ਲਾਗੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਆ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕੀ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਨੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਸੁਧਾਰਸ ਕਭੀ ਨ ਪਾਓ ਪਰਮ ਜੋਨੀ ਖਗ ਮੇ ਪੰਡਤ ਕਾਰੀ ਪੇਖ ਸ਼ੇਖ ਸਭ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਭੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੜ ਪੰਡਤ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ਘਰ ਜਲ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਦਾ ਘਰ ਕਾਮ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਖੈਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਅਵਰ ਜਾਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੰਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ, ਗੰਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਏਦੂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
लोभ मोह हंकार दे कदे भी शराबियां कबाबियां दे अंदर वो परमात्मा किस तरह प्रगट हो सकता है। महात्मा सानू दसदे है नाम और काम की दुश्मनी है, जिस तरह नेरे और प्रकाश की दुश्मनी है। जिथे प्रकाश हो गया अंधेरा रहिंदा नहीं गा, जिथे नाम प्रगट हो गया काम अलोप हो जाता है। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल कहिंदे है कि एक बुरा ख्याल अभ्यासी नू ब्रह्मांड दी चोटी तो थले लिया लै आउंदा है। बरियाई दा मूंह सदा ही थले है, जिवें बर्फ की चोटी तो बंदा गिरिया होया सीधा जमीन ते आउंदा है। यही हालत है। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार नाल कहिंदे है कि पवित्र हिरदा, पवित्र ख्याल, पवित्र मन असी करांगे तद ही साडा नाम की तरफ ख्याल लगेगा। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि पंडित शेख पेख एक कदम कदम ते अटक रहे है। एक जगह स्वामी जी महाराज कहिंदे है पंडित पेख पेट के मारे वे संतन पर कर दे तान, हित कर संत उन्हें समझावे वे माने ही नहीं माने आन। क्योंकि महात्मा जद आउंदे है वह सच्चाई का होका दिंदे है, इन्हां दे रुजगार विच जद फर्क पैंदा है ते उन्हां दी आलोचना करदे है। लेकिन संत उन्हां नूं भी प्यार नाल सदके समझाउंदे है कि प्यारे हो अगर तुसीं इस तरह अंदर बैठोगे, ख्याल नूं बाहर हटाओगे, तुसीं भी कामयाब हो सकदे हो। जो ग्रंथ तुसीं रोज पढ़ते हो तुसीं उहदे विच लिखिया देख सकते हो। जब गुरु रामदास जी दे उपर कुछ पंडितां ने अकबर दे पास जाके दरख्वास्त कीती कि वेखो जी ये बहुत सारे चेले बनाई बैठा है, ये गीता तां इहनूं पढ़नी नहीं आउंदी अच्छी तरह, जद ये गीता ही नहीं जानदा, संस्कृत ही नहीं जानदा गा, ये किस तरह गुरु पदवी का अख्तियार हो सकता है। उन्होंने अकबर गुरु अमरदेव जी कोले पहला आ चुकिया सी, उन्हूं पता सीगा, पर फैसला देने वास्ते पंडितां नूं गुरु रामदास नूं सद्या भी प्यारिया आ तेरी शिकायत हो रही है, कहिंदे भी इह संस्कृत नहीं जानदा, गीता नहीं पढ़न जानदा गा। उह कहिंदा हां जी इह तां सच्ची गल है जो ये कहिंदे है, पर जिहड़ा तात्पर्य गीता दा है ये बोल लै, मैं उह समझा दूंगा। इस वास्ते साडे सतगुरु महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी कि एक संत वास्ते किसी की भाषा नूं अपना लेना कोई मुश्किल की बात नहीं हुंदी गी। लेकिन ऐसा संत नहीं करदे गे, वो कुदरत दे कानून दे मुताबिक ही जिउंदे हन संसार दे विच, नहीं तां हर एक दे नाल की एक मामूली गल है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी एक सत्संगी जिहड़ा है उहनूं भी एक लंगड़े नूं लत दे देनी केड़ी मुश्किल है, अन्ने नूं अख दे देनी केड़ी मुश्किल है, लेकिन नहीं, संत खुद ही कुदरत दा निजम नहीं तोड़ देगे, खुद भी उस परमात्मा दे हुक्म विच रह के खुश है, उह परमात्मा दी बादशाही कबूल करदे है। और आपदे सेवकां नूं भी यही कहिंदे है कि मालक दी हुकूमत दे विच रहो तुसीं। बाबा अटल राय दी साखी असी सारे जानते हैं, 7 साल की उन्होंने उम्र सी, गुरु हरगोबिंद का लड़का सी, वो बाहर लड़कियां दे विच खेड रहे सन, एक लड़के दे जुम्मे पित आ गई, मोहन उहदा नाम सीगा, जब पित आई तो रात नूं खेडदे खेडदे विचे खेड छड के घरे आए, घरे आए मालक दी मौज, उहदी मृत्यु हो गई, तड़के गए मापे रो रहे सी कि जी लड़का दा गुजर गया है, मर गया है। वो बड़े भैपीर जे होके कहन लगे नहीं ये मरिया नहीं, साडी पित देण दा मरिया, ये पिया होया है। बाह फड़ी तो उसनूं खेड दे मैदान विच ले गए। जद गुरु हरगोबिंद नूं पता लग्या उहनूं सद्या, कहन लगे भी देख बेटा इहदा मुल या तां मैं शरीर छड्दां या तूं छड्ड। कुदरत दे निजम दे खिलाफ पुलके भी नहीं करना गा। अगर संती उस मालक दा हुक्म नहीं मन्नणगे जिहड़े कि प्यारे बच्चे है, होर कौन मन्नेगा।
इतिहास गवाह है कि उसे थे वो चादर लेके पै गए, अपना शरीर छड़ गया बाबा अटल राय। नौ मंजिला महल उन्हां दी समाधि ते बनिया होया है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ कि महात्मा संसार दे विच आउंदे है, वो सानूं दसदे है पंडित काली के तुसी प्यारे हो, अंदर जाओगे तो परमात्मा नूं मिल सकोगे। जिहड़े बाहर ही अशांत है तुहानू किस तरह अंदर ले जा सकते है जी। पंडित कारी पेख शेख सब अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। इना दे नाल इना दी सोबत करके कदे भी तुहानू परमात्मा नहीं मिलेगा। पिया तां तुहानू ओ परमात्मा तां साध संगत दे जरिए ही मिलेगा। महात्मा ने सत संग दी महिमा रात दिन गाई है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। साडा शराबियां कबाबियां दा कामियां भोगियां दा हिरदे जो सुक जांदे है, खुशक हो जाते हैं, परमात्मा की तरफ नहीं आते गे। जब असि महात्मा की संगत और सोहबत जाने उड़े हिरदे तर हो जाते हैं, असि समझ लग जाने हैं, साड़ी आत्मा जन्मा जन्मात्रा की सुती है जी वह जाग पी है। इस वास्ते आपने सत्संग की महिमा गाई है। कबीर साहब अपनी बाणी के कहते हैं कि मन मेरा पंखी पिया उड कर चढ़े आकाश, स्वर्ग लोग हाली पड़िया ते सहब संतां पास। कहन लगे मेरे दिल च ख्याल सी भी शायद स्वर्गां च तां जरूरी होना है, मंदरां च होना है, लेकिन जद मैं उपर गया स्वर्ग खाली देखे, थले निगाह मारी मालक दे प्यारे जिथे सत्संग कर रहे सीगे वो परमात्मा उत्थे बैठा सीगा। कबीर साहब कहिंदे है सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का ते संत जपाए नाम। इस वास्ते सारे महात्मा ने सत्संग दी महिमा गाई है। जैसी संगत वैसी रंगत असी आम तौर दे उत्ते कहने हैं शराबियां कबाबियां दी आपा संगत सोबत विच जावांगे शराब पीण दी आदत पै जांदी है, जुआरियां दी संगत दे विच जावांगे जुआ खेडण दी आदत पै जांदी है, अगर नाम शब्द की कमाई वाले पास असी जावांगे साढ़े दिल अंदर भी नाम शब्द जपण दा शौक मेरे तड़ पैदा हो जाती है। महात्मा सानू दसदे है जद असी भैड़े खोटे कर्म करके बुराइयां दीआं कंधां उसार लैंदे हैं उहदा किसे नूं दुख नहीं गा, उहदा सानू खुद ही दुख हुंदा है। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल सानू दसदे है कि किस तरह संसार विच रहना है, किस तरह अपने जीवन नूं बनाउणा है, किस तरह असी शब्द नाम की कमाई करनी है जी। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में, ये तो भूले दिखे बास में, परम तसे इनकी रग रग में। आप कहने लगे ये कित्थे फसे हुए लोग है, विषय वासना विच फसे हुए है, परम इन्हां दे रग रग दे विच फसिया होया है। साडे सतगुरु महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे वी देखो प्यारिओ जिहे जिहा किसे दा तुसी अन्न खाओगे उहो जिहा तुहाडे मन ते असर होएगा। उह कहिंदे सी किसे दा मुफ्त ना खाओ, जे तुहाडे कोल पैसा नहीं उहदा कम कर दिओ। लेकिन जिहड़े लोग इस तरह चढ़ावे खांदे है कि उहनां दा मन शांत हो सकदा है, कि उहनां नूं परमात्मा मिल सकदा है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे एक आदमी आया साडे आश्रम दे विच, उहने कुछ काफी सारी माया उहनां दे अगे रखी, कहिण लगे जी तुसी इहदा कोट बना के पायो गल च। उह कहिण लगे वी देख मैं तेरी माया सफलता कर दिंदा किसे नूं ला दिंदा पर कोट मेरे कोले है।
तेरी सुखल हो जाएगी। लेकिन नहीं, उन्हें बड़ी जिद की थी। उन्होंने कुछ पैसे कढ़े, वो कहने लगे आला तू बना ली कोट। गंगानगर दे विचो आए, जिस जगह उन्होंने एडवांस पार्टी ठहरी सी उस पंचायत करदियां नूं उन्होंने खुद पैसे दिते कि भाई साडी पार्टी इत्थे ठहरी है, तुहानूं काफी तकलीफ होएगी। पंडित आया तिलक करन वास्ते भी कुछ ना कुछ मैं भी इहदे तिलक लावां। ओ गड़वी पानी दे विच कुछ ना कुछ होर भी लिया बेचारा, जो कुछ तिलक दी समग्री हुंदी है। महाराज ने क्या देख भाई तेनू मेरे नाल प्यार है ना, प्यार करके तू मेरे तिलक लाना है। महाराज ने उंगली उसते ला के ओदे मत्थे तिलक ला के 2 रुपए उसनू दिते भी लै भाई पंडित जी तेरी खुशी है। पंडित नू 2 रुपए मिले बस तू भुल गया संदूर। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल सानू दसदे है क्यों परम अंदरों क्यों नहीं निकलदा गा। असीं सच्चे दिलों नाम की कमाई नहीं करदे गे, कमाई किस तरह करिए कि जिन्हां दा असीं खाने हैं उन्हां दा जदों बोझ नहीं लहिंदा गा। गुरु साहिब बाणी च लिखदे है जोगी होए जग पवे कर कर पीछा ले, दरगा लेखा मंगिए ते किस किस उत्तर दे। एक परिवार का लेखा ही नहीं साथों ठीक हुंदा गा। असीं ला रहे जो असी इतनी दुनिया का खावे किस तरह साडा हिसाब किताब असी देवे। गुरु रामदास जी महाराज कहते कि जवाब देवेगा, सारे लैण वाले खड़े हो गए जी। ये तो फूले बिखे बास में परम तसे संतो किसे नू भेद ही नहीं, उन्हें रस्ता सानू की दसना है। तो साड़े दे अंदर बाबा सावन सिंह जी महाराज सत्संग कर रहे सन, कुछ पंडित लोग उन्हां दे नाल बहस मुआसा करन वास्ते आए हुए सन के ए ठीक नहीं प्रचार कर रहे, रब की ने देखिया है। महाराज जी संगत दे विच आए, उन्हां दा बड़ा ही नूरानी चेहरा सीगा और बयान तो बाहर सीगा, कोई उन्होंने नाल अख नहीं मिला सकता सीगा। जदों आके बैठे वह दिलां दीआं जाणदे सन, वह कहण लगे भी जिहड़े आदमियों ने गल करनी है असीं सत्संग बाद में कर लवांगे, आओ बई पहला आपां गल कर लईए किने करनी है। कुछ नहीं दिंदे गे, हालांकि वह ऐसी करामात नहीं दिखाउंदे गे, लेकिन तुहानूं पता है कि अतर वाला बेशक कितना भी क्यों ना आपदे अतर नूं सेफ रखे, फिर भी कितने ना कितने खुशबू लोगों नूं आई जांदी है। इसे तरह साडे महाराज सावन सिंह दे, महाराज कृपाल दे, तुसीं अनेकां वाकिआं नूं देख सकदे हो सुन सकदे हो कि किस तरह जीवां ने उन्हां तों फायदा उठाया। वह भागां वाले सन जिन्हां ने उन्हां नूं इंसान समझिया, वह अज पछताउंदे है कि जे सचमुच उह परमात्मा सी असीं क्यों भुले रह गए जी। बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो है कहीं अलग में, जब लग संत मिले न तुमको चिर पूरे संत सतगुरु नहीं मिलते गे, उन्ना चिर असी इन्हां ठगां दे लेके आए हुए हैं। बुल्ले शाह ने कहा सी मुल्लां ते मसाल जी दोंदा इको चित, लोकां करदे चानणा आप अनेरे विच। इस वास्ते आप कहिंदे लोकां नूं मसाल दिखाउंदे आ, दीवे सदा अंधेरे वाली कहानी बन जाती है, लेकिन संत कहिंदे आ कि पहला तुसी अपने आप नूं किसे किनारे लाओ, आप परमात्मा की खोज करो, परमात्मा नूं पाओ, लोगों के ठेकेदार तुसी बाद में बनो। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि जिन्ना चिर पूरे संत सतगुरु नहीं मिलते गे उन्ना चिर असी बाहर मुखी हो जाने हैं, कर्म करन दे विच ही असी उलझे रहने हैं जी। जब लग संत मिले तुमको खाई ठगारी तू
राधा स्वामी शरण गहो तो रलो जो तें जग मग में। आप प्यार ना कहते हैं तुसी उस कुल मालिक दी शरण दे विच जाओ, वो परमात्मा जोत रूप नाद रूप शब्द रूप साडे अंदर विराजमान है। कहन लगे तुसी उस दे विच जाके मिल जाओगे, जिस तरह पानी पानी दे विच मिल जांदा है एक हो जांदे है, इसे तरह साडी आत्मा वो शब्द परमात्मा दे विच मिल के ए भी परमात्मा रूप हो जांदी है। जब लग संत मिले नह तुमको खाए ठगारी तू इन ठग में, राधा स्वामी शरण गहो तो रलो जो तें जग मग में।